Brought to you by American Pistachios. मॉर्निंग है लेकिन आई एम श्योर हिंदुस्तान में इस वक्त गुड आफ्टरनून है, और गुड आफ्टरनून का मतलब होगा कि हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि दी ओवल जो मेरे पीछे है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दूसरा दिन, क्या भारत कमबैक कर सकता है? क्योंकि पहले दिन भारत इतना पीछे चला गया, या फिर यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया इतना आगे चला गया, यहां से एक एक कर भारत की चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो सारी चुनौतियों पर आज बात करनी है, और कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद रहती है कि क्या भारत अपनी गलतियों से सबक ले सकता है, क्या आज भारत के लिए ये दिन हो सकता है, भारत का दिन का मतलब है क्या भारत की कोशिश कर सकता है, क्या विकेट शुरू में मिल सकती है नई बॉल के साथ, क्या आप ऑस्ट्रेलिया को 450-450 तक रोक सकते हो, और उसके बाद क्या आप बैटिंग कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मौसम क्या है, भाई मैंने आज जैकेट नहीं पहनी, मैंने आज स्वेटर नहीं पहना, और आप मेरे पीछे नीला आसमान देख रहे हैं। अब ये भारतीय फैंस को शायद खलेगा, क्योंकि कल सुबह मौसम जब ठंडा था तो भारत ने टॉस जीत के कहा ऑस्ट्रेलिया आप आओ पहले बैटिंग करो। धूप कल 11:30 निकली थी, आज धूप 8 बजे से निकली हुई है। आसमान में आपको बादल का एक भी कतरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो टीम बैटिंग कर रही है वो कहेगी वाह आज तो चांदी है, और बैटिंग कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। 3 विकेटें गिरी हैं, ट्रेविस हेड ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। अब सवाल यही कि क्या भारत कमबैक कर सकता है? मौसम शायद तेज गेंदबाजों के लिए माकूल नहीं है, लेकिन क्या भारत पहले सेशन को अपने नाम कर सकता है? सुनील गावस्कर रहेंगे मेरे साथ, मदन जी भी रहेंगे, और यहाँ पर ढेरों फैंस जो है इंडिया के वो इकट्ठे होने शुरू हो गए इस उम्मीद के साथ कि आज ये भारत का दिन होगा। क्या वाकई ये भारत का दिन हो सकता है? 327 रनों पर 3 विकेटें गिरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त ये समझ रहा होगा ना कि 1 foot इन द डोर, मतलब पहले दिन जो उन्होंने सोचा नहीं था उससे भी बेहतर हुआ। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है? मदन जी स्टूडियो में है और सनी भाई भी लंदन में है। सनी भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कमबैक करना है वो तो करना है, लेकिन कैसे करना है? जी हाँ, नया बॉल तो है, दूसरा नया बॉल है, तो दूसरा नया बॉल अगर पहले आधे घंटे में 2-3 विकेट ले ले तो फिर ये बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को आप शायद 450 तक रोक सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस बार थोड़ी सी अच्छी टैक्टिकल प्लानिंग भी होनी चाहिए। हमने देखा है कि ट्रेविस हेड को लोग कहते हैं कि शुरुआत में बाउंसर करे तो वो आउट हो सकते हैं, तो फिर वहाँ पे एक डीप थर्ड मैन भी एक फील्डर होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी शॉट खेलते हैं वो, जहाँ पे हमने देखा बहुत सारी बाउंड्रीज होगी तो वहाँ एक डीप थर्ड मैन में फील्डर होना चाहिए, और डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पर 2 फील्डर होने चाहिए। तो अगर वहाँ पे वो जल्दी आउट होते हैं, और इनको भी स्टीव स्मिथ को भी यॉर्कर का प्रयास करना चाहिए लेग स्टंप पर, वहाँ पे भी 2 फील्डर का प्रोटेक्शन देकर उनको ये करना चाहिए। सर भाई, चूंकि आपने कल टॉस जीत के गेंदबाजी की थी, क्योंकि सुबह आपको लग रहा था ठंड है, ऑब्वियसली आपने मौसम एंटिसिपेट ही नहीं किया, बट आज क्योंकि इंडिया ने नए बॉल है, बॉल करना है, तो मौसम शायद देखने के लिए क्रिकेट बड़ा अच्छा है, पर क्या गेंदबाजों के लिए अच्छा होगा? कल क्लाउडी था, ओवरकास्ट था, आज सुबह से धूप निकली हुई है, मौसम वार्म है। जी बिल्कुल जाता है, क्योंकि देखिए जब धूप निकलती है तो घास तो बिल्कुल मर जाती है, घास जो कल पिच पर थी पहले दिन वो तो बिल्कुल अब कम हो गई है, और इसका मतलब ये है कि गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी। और एक एडवांटेज भारत के लिए है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, गेंद नहीं है, सेकेंड न्यू बॉल है, दूसरी नई गेंद है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ तो बल्ले पर अच्छी तरह से बॉल आएगी और ऑस्ट्रेलिया के रन भी काफी तेजी से बन सकते हैं। सर भाई, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मैं दूसरे गेट पे हूं जो सर जैक हॉप्स गेट है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि इंडियन फैंस ने उम्मीद छोड़ी नहीं है। जिस तरफ आप देखेंगे, जिस तरफ भी आप देखेंगे, मैं विक्रांत भाई का फैन हूं, हर तरफ इंडियन फैंस, और थोड़ी देर बाद मैच शुरू होना है। मदन जी, जो सनी भाई ने कहा बॉल नया होना या कंडीशंस आपके लिए अच्छी होनी पूरी होनी, वो एक बात है, कल इंडिया ने बॉल नहीं ठीक डाला, ऐसा क्या है कि हर सेशन में आपकी गेंदबाजी का स्तर गिरता रहा, आपके तेज गेंदबाज काम हो चुके फंस भी गए, ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह से आज का दिन खत्म हो जाए, क्या चेंज सेकंड न्यू बॉल और इस वेदर में फास्ट बॉलिंग, क्योंकि आपने इंग्लैंड में क्रिकेट बड़ी खेली?
देखिए विक्रांत, ये है कि नए गेंद से एडवांटेज तो है क्योंकि विकेट में अगर आप आगे गेंद करेंगे तो गेंद सीम करेगा ही करेगा, पर आप मेरे को बड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है कि WTC फाइनल का मैच में, 5 दिन का टेस्ट मैच में आप पहले दिन ही इतने बैकफुट पे आ गए हो, क्योंकि इसका कारण क्या है कि आपने जो सनी भाई ने कहा आपकी रणनीति इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि आप अगर 225 रन की इस विकेट के ऊपर इतनी पार्टनरशिप करा दी जहाँ पर गेंद सीम कर रहा था, आपने गेंद जो किए जो करने चाहिए थे वो नहीं किए जो आगे करने जैसे उससे जैसे कि बैट्समैन आउट हो सकता था, बट हमने गेंद किए हैं अच्छे पर एक दो ओवर अच्छे किए फिर उनमें काफ़ी लूज बॉल दिए उससे रन उनके बनते चले गए, और जो हमारी रणनीति भी जो हमने कल डिस्कस की थी उससे उसके हिसाब से भी उन्होंने गेंद नहीं किए, तो एक यही है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर 400 रन भी बनाता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग अटैक है जो कि इंडियन बैट्समैन को ट्रबल कर सकता है, ऐसी बात नहीं। 400 तो मदन जी आप कह रहे हैं, 400 का मतलब है क्योंकि 327 तीन आउट ऑलरेडी है, मैं तो रियलिस्टिकली ये कह रहा हूं, मैं कम बोल रहा हूं, अच्छी गेंदबाजी, हां मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं आपको विकेट मिलती है पहला सेशन आपके नाम हो तो भी रियलिस्टिकली कलैप्स भी होता है तो 450-450 रन तो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि कंडीशंस ठीक है, मतलब आज बैटिंग के लिए भी अच्छी है, भारत से बैटिंग भी करने आना है, बट फिर कंडीशन से ज्यादा मैच सिचुएशन, बोर्ड पे जो टीम ने पहले 450-450-500 रन बना दिए उस टीम को आप कैसे रोकेंगे? नहीं नहीं डेफिनेटली जब आपके पास 450 रन का रन बना दूसरी टीम ने बना लिए होते हैं तो उसमें प्रेशर तो आता ही आता है क्योंकि ये फाइनल है वर्ल्ड कप का टेस्ट मैच का, तो ये है कि अब वापसी करनी है तो आपके बल्लेबाजी वापसी करा सकते हैं क्योंकि 450-400 रन जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बना भी लेगी, पर ये है कि आपको आज क्योंकि आपके पास एक और मैं बात कहना चाहूँगा, आपके पास सिर्फ दो एक सेशन है, एक सेशन के बाद कल भी मैंने देखा है सेकंड और थर्ड सेशन में हमारी जो टीम है बॉलिंग अटैक जो है इतना ज़्यादा तीखापन नहीं उन्होंने दिखाई दिया, और आउटफील्ड फील्ड में भी मेरे को लगते जब चेज कर रहे थे बॉल तभी मेरे को लग रहा था कि ऐसे ऐसे लग रहा है कि जो उनकी टांगे हैं वो थकी थकी लग रही हैं, क्योंकि देखिए ये फाइनल खेल रहे हैं आपका बहुत बड़ा इवेंट है ये भारत के लिए, तो ये इनके लिए अप्रोच करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इनको चाहिए था पॉजिटिव अप्रोच करना, आप तो बैकफुट में हैं और आपको निकलना है कैसे निकलना है ये टीम को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा, सेशंस जीत रहे होंगे मदन जी, ये हकीकत है कि सेशंस जीतते कैसे हैं आप, पहले सेशन में क्या आपके गेंदबाज वापसी करा सकते हैं, उसके बाद क्या आपके बल्लेबाज रन बना सकते हैं, सनी भाई मौसम आज गेंदबाजों को नहीं पसंद आएगा, भारत के गेंदबाज सुबह सोच रहे होंगे कि यार ये धूप कहां से निकल आएगी, लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में भारत के बल्लेबाज भी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे चलो ठीक है यार शुक्र है धूप है, कल उन्होंने विकेट भी देखी होगी पटाखा विकेट है, क्या बल्लेबाजों से उम्मीद की जाए क्योंकि पहली पारी में जब सामने वाली टीम इतने रन बोर्ड पे लगा दे आसान तो नहीं होता। ये कंडीशन तो बहुत अच्छी है और शुरुआत में जब कोई बल्लेबाज आता है तो उनको दिक्कतें होती है, ये तो मतलब हर एक मैच में होता है, कोई भी बल्लेबाज हो शुरुआत करने में कभी कभी अब जब सेट होने में जैसे हम कहते हैं कि सेट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है तो जब सेट होते हैं तो उसके बाद में रन बन सकते हैं तो इंडिया भी रन बना सकती है, ऐसा है नहीं कि इंडिया रन नहीं बना सकती। बैटिंग तो आएगी लेकिन सनी भाई फिर वही बात है ना, मेरी सुई और सबकी सुई अटकी हुई है उसी बात पे, इन कंडीशंस में इस बार रविचंद्रन अश्विन होते तो हालात थोड़े डिफरेंट हो सकते थे, थोड़े से अलग हो सकते थे। कल ही मिस किया, आज की बात मत करें कल ही मिस किया, क्योंकि देख आपके पास अगर नंबर वन का बॉलर है जो ICC रैंक का नंबर एक का बॉलर है आप उसको टीम में खिलाते नहीं, ये मेरे समझ के बाहर है। अब मैं अभी ये ऐसी बात नहीं कि ये कल की बात 327 रन होने के बाद की बात है, सब लोग जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं वो सब अचंभित हो गए जब उनको पता चला कि अश्विन 11 में नहीं है, 11 में नहीं है, 11 बदल नहीं सकते, ये IPL तो है नहीं कि इंपैक्ट प्लेयर आप ले आए फिर इंपैक्ट प्लेयर को आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ये टेस्ट मैच है और ये सीरियस टेस्ट मैच है, शायद भारत ने कल गलतियां की हैं। मदन जी आपको लगता है कि भारत यहाँ पे आज बैटिंग करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो लग रहा है 450-500 रन बना सकता है, इंडिया को भी पहली पारी में लंबे रन बनाने होंगे और कंडीशंस कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग को मदद भी करेंगी।
देखिए विक्रांत, कंडीशन की जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने जो कहा है कि कंडीशन अच्छी होगी क्योंकि धूप निकली हुई है, पर हमने देखा है अंडर प्रेशर अच्छी कंडीशन में भी ना कई बार रन नहीं बनते, ये भी बात है, क्योंकि आपको अगर इन्होंने मैच में वापसी करनी है तो सिर्फ मैं समझता हूं कि इनके टॉप के 6 बल्लेबाजी इनको वापसी करा सकते हैं। बाकी जो अश्विन की बात की, मैं एक के बात कहना चाहूंगा, क्या नेथन लाइन को ड्रॉप किया है कभी ऑस्ट्रेलिया ने, कभी किया है? क्योंकि उन्होंने पर्स में भी खिलाते हैं उसको, चाहे वो गेंद टर्न कर रहे ना, हाँ वो खिलाते हैं वहां उनको। तो ये भी बात समझ से नहीं आई, क्योंकि आप शुरू से ही बैकवर्ड पे चले गए, बट ये है कि वापसी अब ये है कि बैट्समैनों को ही करानी पड़ेगी। बॉलर तो ने 327 रन बना दिए तीन खिलाड़ी आउट होने पर आज जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, ताकि थोड़ी सी जो आशा है आपके पास, चमक है कि हाँ आप वापसी कर सकते हैं, वो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं जी पहला सेशन कैसे जाएगा। तकरीबन 15 मिनट है अभी, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, इंडियन फैंस मैदान पूरा जो है वो जीतेगा, इंडिया जीतेगा, यही है। अभी भी इनको लगता है इंडिया जीतेगा, बड़ी अच्छी बात है, जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। पहले उनको आउट करना पड़ेगा, देखो इन्होंने बता दिया रिवर्स स्विंग भी करना पड़ेगा। चलिए मैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही वक्त है जी, और स्पोर्ट्स तक पर हम लाइव रहते हैं हर सेशन में, वहां से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।